प्रिय मित्रों, आज मैं जिस घटना की या दुर्घटना की बात कर रहा हूँ वह मेरे पहले सेशंस के कंटिन्यूशंस में है। मैंने सोचा इस पर्टिकुलर समस्या पे आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्म रखा जाए और एक चीज़ जो फ्यूचर में रेफरेंस में भी काम आए, इसलिए मैंने इनको डालना ठीक समझा। और दूसरा, ये सब माई केसेस की कैटेगरी में भी आते थे कि इनमें सब में मैंने रोल प्ले किया है। ये है सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट 2008। इसका टाइटल दिया है मैंने इंडिया, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ ही नहीं हुए, ये एक सीरीज चली कुछ महीनों तक और पूरे हिंदुस्तान में ये दुर्घटनाएं होती रहीं। शायद पर्टिकुलर कम्युनिटी का, एक मेजर कम्युनिटी को लेसन देने का या अपनी ताकत दिखाने का ये है एक प्रयास था जो पूरे भारतवर्ष में दिखाया गया। जहाँ तक दिल्ली का संबंध है, पहला जो यहाँ ब्लास्ट हुआ वो सैटरडे 13 सितंबर 2008 को हुआ, और ये एक जगह नहीं हुआ, ये वेरियस लोकेशन में हुआ। पहला बम ब्लास्ट 6:07 पर ये शुरू हुआ और बाकी सारे ब्लास्ट इसके सक्सेशन में, कंटिन्यूशन में कुछ कुछ देर बाद होते रहे, और इस तरह पूरी दिल्ली में 20 लोगों की मृत्यु हो गई और 90 लोग इंजर्ड हो गए। नेचुरली कुछ लोग उनमें से बाद में मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे। ये एक्चुअल सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट जो है, जो मई में शुरू होती है, 13 मई को शुरू होती है जयपुर से, और मई से सितंबर तक 2008 में यह दिल्ली में पहुंचती है। 13 मई को जयपुर में पहला ब्लास्ट होता है और जिसमें 63 लोग मर जाते हैं और 216 लोग जिसमें घायल हो जाते हैं। फिर उसके बाद 13 मई के बाद 26 जुलाई को एक बेंगलोर में ब्लास्ट होता है जिसमें सिर्फ 2 लोगों की मृत्यु होती है, वही 20 लोग जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद 25 को बेंगलोर में हुआ, 26 जुलाई को अहमदाबाद में होता है जिसमें 21 लोग मर जाते हैं और नहीं 56 लोग मर जाते हैं, और वहाँ पे टोटल 21 ब्लास्ट होते हैं। अहमदाबाद में 26 जुलाई को 31 ब्लास्ट होते हैं और इन 31 ब्लास्ट में 56 लोग मर जाते हैं और 200 के करीब घायल होते हैं। उसके बाद 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 ब्लास्ट होते हैं और ये पांचों के पांचों ब्लास्ट विद इन 31 मिनट होते हैं। 31 मिनट में ये सारे ब्लास्ट जो हैं, 5 ब्लास्ट जो हैं वो हो जाते हैं। मीन्स 6:07 से लेकर 6:38 के बीच में ये सारे ब्लास्ट दिल्ली में हो जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप उनकी प्लानिंग और इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, ये बिना किसी संगठन के या संगठित संस्था जो आपस में बहुत ही वेल कम्युनिकेटेड और बहुत ही डिटरमाइंड संस्था है अगेंस्ट द इंडिया, उनका ही काम हो सकता है। सीक्वेंस ऑफ ब्लास्ट जो दिल्ली में है वो इस तरह से रहती है कि सबसे पहला ब्लास्ट 8:07 में करोल बाग में होता है और वहाँ पे कम से कम 20 लोग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जाते हैं एज ए विक्टिम ऑफ
दिस बम ब्लास्ट। सेकेंड बम ब्लास्ट नॉर्थ ईस्ट में होता है, और इसमें जो एक डस्टबिन में होता है, कनॉट प्लेस में एक डस्टबिन पड़ी थी, उस डस्टबिन में ये ब्लास्ट होता है, जिससे 10 लोगों को चोटें लगती हैं, इंजरीज लगती हैं। और फिर कनॉट प्लेस में भी सीरीज ऑफ ब्लास्ट होती है, डस्टबिन में हुआ, उसके बाद बाराखंबा रोड पे होता है और गोपाल दास भवन के पास में होता है। ये दोनों ब्लास्ट 6:34 पे होते हैं। सेंट्रल पार्क में, कनॉट प्लेस में, जो दिल्ली मेट्रो के स्टेशन के ऊपर राउंड अबाउट बना हुआ है, उसमें भी ब्लास्ट होता है। और उसके बाद एम ब्लॉक ग्रेटर क्लाश में एक ब्लास्ट होता है 6:38 में, लेविस स्टोर के पास में, जो प्रिंस डीन कॉर्नर पान कॉर्नर था, उस पॉपुलर प्रिंस पान कॉर्नर जो है उसके पास ब्लास्ट होता है, जो लेविस के शोरूम के पास था, और 10 दुकानें उसमें समाप्त हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है, तो उन्होंने कुछ और ब्लास्ट बॉम्ब्स डिटेक्ट किए, जिनको डिफ्यूज कर दिया गया। तो 4 बम डिफ्यूज कर दिए गए, ये सब तो फट गए, लेकिन 4 बम जो है उनको डिफ्यूज किया गया, जो एक इंडिया गेट पे था, दूसरा रीगल सिनेमा के पास था, तीसरा जो है कनॉट प्लेस में था, और उसके बाद एक पार्लियामेंट स्ट्रीट में था। इन सब में जो 13 दिसंबर को टोटल, ये जो मैंने ब्लास्ट की सीरीज बताई, फटे और जो अनफटे, बिना फटे जो रह गए, जो नहीं एक्सप्लोड हो पाए और जो एक्सप्लोड हो गए, सबको मिला करके 30 आदमियों की डेथ हुई, और टोटल इंजरीज जो है रफली 300 लोगों को इंजरीज हुई। इसका ब्लास्ट मटेरियल एनालाइज किया गया, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हम लोग और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है, उन्हीं का होता है। तो इसमें एमाइल नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोजिव जो हैं वो पाए गए, और टाइमिंग्स लगाने के लिए इंटीग्रेटेड टाइम सर्किट्स जो होते हैं उनका, विद टाइमर, उनका उपयोग किया गया। सो इस तरह से ये हाईली सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही प्लान्ड वे में इनको बनाया गया था, प्लांट किया गया था, और इनको एक्सप्लोड किया गया था। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये आगे के इन्वेस्टिगेशंस में काम आती है, और पब्लिक को भी अवेयर होने की ज़रूरत है कि इस तरह की जगहों पे बम छोड़े जाते हैं। क्योंकि अभी तो मामला को सब कुछ शांत लगता है, खास करके ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आने के बाद में, लेकिन जिस तरह की हिस्ट्री रही है, किसी ना किसी तरह के टेररिस्ट हमारे यहाँ पे अपना घर बना ही लेते हैं, चाहे वो नक्सलाइट्स हो, चाहे वो इस्लामिक ग्रुप के हो, चाहे आपके पंजाब के टेररिस्ट हो। सो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समस्या इतने बड़े राष्ट्र में रहती, लेकिन अगर हम जागरूक रहते हैं सभी, तो इसको समाप्त कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात समझने की ज़रूरत है कि किल करने की ज़रूरत ही उस आइडियोलॉजी की है। आदमियों को किल करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, 2 मारोगे 10 तैयार हो जाएगा, तो भस्मासुर है, जहाँ रक्त गिरेगा वहीं से रक्त बीजी। तो ये लोग भस्मासुर नहीं, रक्त बीजी हैं, या भस्मासुर भी कहते हैं उसको, तो ये लोग रक्त बीजी हैं, जहाँ इनका रक्त गिरेगा वहीं से उग आएंगे। ये सोच जो है इसको समाप्त करने की ज़रूरत है, आपको उस पर अटैक करने की ज़रूरत है। ये जो अलगाववादी कहीं भी खड़े हो जाते हैं, या ये जो एंटी ह्यूमन, एंटी पीपल, एंटी सिविलाइजेशन, एंटी एवरीथिंग, कुछ लोग हो सकते हैं वो जेनेटिक प्रभाव से इस तरह से हों, क्योंकि उनमें पर्सनलिटी डिसऑर्डर, और इस तरह के पर्सनलिटी डिसऑर्डर के लोग एक ग्रुप में आकर के एक संस्था क्रिएट करते हैं, और उस संस्था में फिर इनोसेंट लोगों को रिक्रूट करके, और फिर वो अपना काम चलाना शुरू करते हैं। तो दे मे बी एंटीथीसिस किसी भी समाज में,
मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी समाज में प्रिंसिपल ग्रुप से दो तरह के लोग होते हैं, एक थीसिस एक एंटी थीसिस। थीसिस हम उनको कहते हैं जो जो पॉजिटिव विचार के लोग होते हैं, उस थीसिस जैसे चीज़ को बनाना, क्रिएट करना, संरचना करना, कोई ग्रंथ लिखना, कोई और नया चीज़ क्रिएट करना, ये थीसिस है। कुछ लोग हमेशा स्वभाव से ही एंटी थीसिस होते हैं। एंटी थीसिस मीन्स जो हुआ उसके अगेंस्ट में, जो समाज के भले की बात है उन्होंने उसके अगेंस्ट में ही चलना है। यह स्वभावगत है, यह उनका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यह एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहता है, पर डिसऑर्डर की तरह होता है, और वो हमेशा कानून के, सामाजिक व्यवस्था के, सामाजिक विचारों के जो भी प्रभाव एक समाज को फ़ायदा, सबको फ़ायदा उठा रहा है, उन्होंने उसके अगेंस्ट में ही चलना है। सो दिस एंटीथीसिस पीपल की आइडियोलॉजी को किल करने की जरूरत होती है। नंबर वन उनका आइडेंटिफिकेशन, नंबर टू उनके संगठन को पहचानना, नंबर थ्री उनकी एक्टिविटीज को पहचानना, और नंबर चार उनकी आइडियोलॉजी को समाप्त करना, क्योंकि ये आइडियोलॉजी के कारण मूड होते हैं। एंड एंटीथीसिस ग्रुप वाले पीपल जो इस तरह के पर्सनलिटी डिसऑर्डर्स को होते हैं, दे आर वेरी प्रोन, बहुत प्रोन होते हैं इस प्रकार की एंटीथीसिस की फिलोसफी की तरफ। उनका उसमें कसूर भी नहीं होता, फैक्चुअली स्पीकिंग। दैट्स व्हाई एलिमिनेशन बिकम्स द ओनली वे एट सर्टेन टाइम्स। तो नहीं ऑलवेज, लेकिन एलिमिनेशन कोई एम नहीं हो सकता। एलिमिनेशन के बजाय उनको सामाजिक ऐसी उनकी परिस्थितियाँ क्रिएट करना, उनको समझाना, लिटरेचर से, व्यक्तियों से, और समाज के प्रभाव से उनको मुख्य समाज के प्रवाह में लाने की आवश्यकता होती है। तो चाहे वो डाकू बन गया, चाहे वो नक्सलाइट बन गया, चाहे वो टेररिस्ट बन गया, चाहे वो कुछ बन गया, वो सब इस प्रवृत्ति से सफ़र कर रहे होते हैं। वो एक मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, उनको ठीक करना, और ठीक करने के लिए हमें उनकी फिलॉसफी पे अटैक करना पड़ेगा, सबको मिलकर एक अटैक करना पड़ेगा, तभी वो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पर्सनलिटी डिसऑर्डर्स पे आइडियोलॉजी के किसी चीज़ का वो समझ ही नहीं आती उनके, उनको समझने की उस कैपेसिटी को, लेकिन उनको मार का बहुत भय होता है। आपने निकट समय में देखा भी होगा कि बहुत सारे जो डाकू जो किसी से नहीं डरते, जब पुलिस उन तक पहुंच जाती है तो वो कहते हैं जी मुझे पुलिस कस्टडी में मारना मत। तो ये मार का उनको बहुत डर होता है। खैर, ये तो एक मैंने लाइट वे में कहा आपको, लेकिन उनको सुधारने का प्रयत्न करना होगा। अदरवाइज समस्या एक रूप में दूसरे रूप में हमेशा समाज में रही है और रहेगी, जब तक कि हम इस तरह से प्रयास नहीं करेंगे, जब तक इसको एक पॉलिटिकल मैटर समझ के करेंगे हम गलती खाएंगे। तो ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये सोशल मैटर है, ये ह्यूमन फैक्टर है जिसको हमें समझना और कंट्रोल करना है। लास्ट में इस सब की जिम्मेदारी किसने ली? जैसे मैंने पहले भी कहा कि आजकल नहीं, पहले से ही ये लोग काम करके लोगों को मार के अपनी जिम्मेदारी भी देते हैं, क्योंकि उनका रुतबा, उनका प्रभाव और आगे आने वाले समय में उनकी प्रतिष्ठा केवल मात्र इसी चीज़ से बनती है। तो ये थे इंडियन विदिन ब्रैकेट्स इस्लामिक मुजाहिदीन, जिन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन लोगों को पकड़ा भी गया और अप्रोप्रिएट कोर्ट में उनके ट्रायल होकर उनको सजा भी दी गई। धन्यवाद।